बिहार शिक्षा परियोजना अंतर्गत प्रखंड स्तरीय दो दिवसीय तरंग मेधा उत्सव 2022 का बाईसी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार अनुज की अध्यक्षता में बाईसी बीआरसी प्रशिक्षण भवन में आयोजन किया गया, जिसमें बाईसी प्रखंड के सभी विद्यालय के चुनिंदा विद्यार्थी शामिल हुए। वहीं पहले दिन का कार्यक्रम में क्विज प्रतियोगिता, कोर्स वर्ड और पेंटिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। वहीं दूसरे दिन भी कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उसमें भी कई बच्चों ने भाग लिया। वहीं इस तरंग मेधा उत्सव में बच्चों के द्वारा रंग बिरंगी कला को बनाकर अपनी प्रतिभा को दिखाया और उसी आधार पर उसे प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी पर चयनित किया गया और सभी चयनित विद्यार्थियों को उपहार के तौर पर पुरस्कार दिया गया। वहीं इस तरंग मेधा उत्सव में मौजूद शिक्षकगण ने बताया कि जो भी विद्यार्थी प्रखंड स्तर पर चयनित हुए हैं, यहाँ से उन सबको जिला बुलाया जाएगा और फिर वहाँ जिला स्तर पर जो भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, इन सभी बच्चे एवं बच्चियाँ उसमें भाग लेकर अपनी प्रतिभा को दिखाएंगी। वहीं जिला स्तर पर चयनित विद्यार्थियों को आगे राज्य स्तर पर होने वाली कार्यक्रम में भी भाग लेने का मौका मिलेगा। फिर राज्य स्तर पर चयनित होने पर उस बच्चे को किसी गणमान्य लोगों के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। बिहार सरकार के द्वारा आयोजित की जा रही है प्रतियोगिता का नाम है तरंग मेधा उत्सव 2022, जिसमें कुल 6 विधाओं पे विभिन्न प्रकार से प्रतियोगिताएं चालू हुई है। विद्यालय वार यहाँ पे बच्चे उपस्थित हुए हैं और अब यहाँ पे प्रखंड स्तर पे हम लोग विद्यालय से छांट करके प्रखंड स्तर पर बच्चे को तैयार कर रहे हैं। यहाँ से चुने हुए बच्चे जिला स्तर पर जाएंगे, जो प्रतियोगिता में भाग लेंगे। कल भी यह प्रतियोगिता चला था यहाँ पर 3 विधाओं में, जिसमें कल था आपका क्विज प्रतियोगिता था, क्रॉसवर्ड था और आपका पेंटिंग था। और आज 3 विधाओं का यहाँ पे अभी चल रहा है निबंध कार्यक्रम, निबंध प्रतियोगिता यहाँ पे आप देख रहे हैं, निबंध प्रतियोगिता और साथ में आशुभाषण नीचे अभी कुछ ही देरों में चालू होगा और साथ में इसके बाद आपका स्पेलिंग बी कंपटीशन भी चालू होने वाला है। दिनों का ये प्रखंड स्तरीय यहाँ पे 2 दिन का है। स्कूल में भी इससे पहले 2 दिनों का कंपटीशन 1 से 2 से 3 तारीख के बीच में चला है और फिर आगे 12-13 तारीख को जिला स्तर में चलेगा, फिर ये प्रमंडल स्तर पे हो जाएगा। बच्चे बहुत दिलचस्पी से भाग ले रहे हैं और बच्चों की प्रतिभाओं को देखने का हम लोग को भी मौका मिला, जो कि अब तक सामने नहीं आए थे वो भी निखर के आए हैं और ये छोटे छोटे फूल हैं जिनकी खुशबू हम लोग को लेने का भी मौका मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। जिला स्तर पर भी जाएंगे, वहाँ पे भी सम्मानित किया जी? बिल्कुल, यहाँ से जो चयनित होंगे वो जिला स्तर पर जाएंगे, वहाँ से जो चयनित हो गया उनको सम्मान के साथ फिर राज्य स्तरीय पे भी भेजा जाएगा। यहाँ पे जो बच्चा चयनित होते हैं उनको पुरस्कार में क्या देते हैं? जी पुरस्कार में उन लोगों को शब्दकोश दिया जाता है, फिर जनरल नॉलेज उनकी किताब दी जाती है और मेडल से और कप से सेल से सम्मानित किया जाता है उसका हौसला अफजाई के लिए। और ये कहा जाए तो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जो विद्यालय में शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, उसके लिए बच्चों के निखार उत्पन्न के लिए, बच्चों के जो ज्ञान का विशेष आर्जन हो रहा है, इसके लिए प्रखंड स्तर पर एक तरंग मेघा का उत्सव आयोजन किया गया है। सर, ये हमारे विद्यालय में भी कुछ दिन पहले हम लोग किए थे और जो बच्चे वहाँ तैयार हो गए उन बच्चों को यहाँ पे ला के उनका जो है प्रतियोगिता हम लोग ले रहे हैं। और कैसे इसमें भाग लेते हैं, दिलचस्पी ले रहे हैं या फिर? बिल्कुल सर, दिलचस्पी इसमें ले रहे हैं, इसलिए कि हम लोग स्कूल में इन सभी बच्चों को जो एक साथ लेके पेंटिंग कार्यक्रम में, प्रतियोगिता में, निबंध में, भाषण प्रतियोगिता में बच्चों से हम लोग वहाँ तैयार करते हैं, कराते हैं मिडिल स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, उस हाई स्कूल में, और वो बच्चे तैयार हो जाते हैं और वो बच्चे जो है प्रखंड स्तर पर आके अपना जो वो प्रदर्शन दे रहे हैं। और कल भी कुछ बच्चे हमारे यहाँ प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और आज भी जो है हमारे जो विभिन्न प्रकार की जो ये हमारे गतिविधियाँ हैं और विभिन्न प्रकार की जो है उसपे बच्चे अपना आज जो बच्चे दिखा रहे हैं जलवा निकल के। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।